एनडी न्यूज और मैं हूं आपके साथ निभा सिंह। अखिल भारतीय कैवर्त कल्याण समिति द्वारा पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया, जिसमें श्री रामकृष्ण मंडल राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ने दावा ठोक कर कहा है कि बिना मेरे सपोर्ट के बिहार में सरकार नहीं बन पाएगी। और क्या कुछ कहा है उन्होंने, आइए सुनते हैं। प्रॉपर सिटी ऑफ फारबिसगंज ऐसे विधानसभा है जहाँ पर भी हमारे बहुसंख्यक जनसंख्या है और निश्चित तौर से हम 45,000 के आसपास हैं। उसके अलावा मधेपुरा बिहारीगंज है और प्रॉपर मधेपुरा भी ऐसी विधानसभा है जहाँ पर हमारी संख्या 20,000 और 45,000 के बीच में है। उसके अलावा कुछ ऐसे विधानसभा है जहाँ पर कुछ सुरक्षित सीट है मगर हमारे जाति की जनसंख्या बहुसंख्या और निर्णायक होती है। मैं मधुबनी से शुरुआत करता हूँ। मधुबनी से झंझारपुर कुलप्रास बाऊ और बेनीपट्टी ऐसी विधानसभा है जहाँ पर हमारी जनसंख्या 25,000 से लेकर 45,000 तक है। और मैं स्पष्ट रूप से आप लोगों को कहना चाहता हूँ कि वहाँ से बाहुबली से हमारे विधायक जीते हैं और फिलहाल अभी भी वो मंत्री हैं कपिल देव कामत जी। उससे पहले झंझारपुर से भी हमारे विधायक रह चुके हैं, तीन बार विधायक रह चुके हैं। झंझारपुर लोकसभा से वीरेंद्र कुमार चौधरी सांसद रह चुके हैं जहाँ पर जनसंख्या हमारी बहुत ज़्यादा है। सुपौल से पिपरा ऐसे विधानसभा, सुपौल और निर्मली तीन ऐसे विधानसभा है जहाँ पर हम बहुत ज़्यादा बहुसंख्यक मामले में हैं और वहाँ भी हमारी जनसंख्या 25 से लेकर 45,000 के बीच में है। किसी विधानसभा 25 से 30 है और 40 विधानसभा ऐसे हैं विधानसभा जहाँ पर हमारी जनसंख्या है। अखिल भारतीय कैवर्त कल्याण समिति जो चिन्हित विधानसभा है, डेढ़ दर्जन विधानसभा, उन विधानसभा क्षेत्रों में हमारा संगठन पंचायत स्तर पर मजबूत है और उन विधानसभा क्षेत्रों में मेरी आबादी जो है 50,000 से अधिक है। ऐसे परिस्थिति में अति पिछड़े जातियों की जो आबादी है उसका हम 60% मेरा आबादी है, तो वहाँ जो राजनीतिक दलों के द्वारा जो सबसे निम्नतम आबादी वाला अति पिछड़ी जात है उनको उम्मीदवार बनाया जाता है और मुझे नजरअंदाज किया जाता है। ऐसी परिस्थिति में अखिल भारतीय कैवर्त कल्याण समिति इस बार निर्णय लिया है, जब तक हमें डेढ़ दर्जन सीटों पर जो चिन्हित आप लोगों को दिया जा चुका है प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से, उन सभी सीटों पर हम लोग अगर राजनीतिक दल मुझे उम्मीदवार नहीं बनाएंगे निश्चित रूप से हम अखिल भारतीय बैनर के तहत निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में हम अपनी ताकत को दिखलाने का काम करेंगे, हमारी जीत सुनिश्चित होगी। और कम से कम डेढ़ दर्जन सीट पर हम चुनाव लड़ेंगे। अब अखिल भारतीय कैवर्त कल्याण समिति के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय श्री चुलाय कामत जी संबोधित करेंगे। ने ठीक बात है, ये भी बोलिए बोलिए सर। मैं चुलाय कामत प्रदेश अध्यक्ष अखिल भारतीय कैवर्त कल्याण समिति बिहार प्रदेश इकाई। मित्रों, ये हमारा पूरी तरह से सामाजिक सरोकार से जुड़ा हुआ संगठन है और पिछले 42-43 वर्षों से यह संगठन अपने समाज की तरक्की के लिए, उन्नति के लिए, समृद्धि के लिए, आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से मजबूती के लिए लगातार संघर्ष कर रही है। इधर के दिनों में समिति ने जो अपना प्रयास किया है तो स्वाभाविक है, समाज के लोगों के अंदर राजनीतिक चेतना और भूख भी जगी है और जो बातें हमारे आदरणीय रामकृष्ण बाबू ने कहा है, यह हमारे संगठन के प्रवक्ता भी हैं और आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, अखिल भारतीय कैवर्त कल्याण समिति के बहुत ही मजबूत आधार स्तंभ हैं। तो आगामी विधानसभा में हम अपने संगठन के बल पर अपना उम्मीदवार उतारेंगे और मुख्य राजनीतिक दलों को विवश कर देंगे कि हम अपनी ताकत उनको दिखाएंगे और बिना मेरे मदद से बिहार में सरकार नहीं बन सकती है, ये भी हम लोग इस बार साबित करके दिखाएंगे। हमारे साथ का सत्र होता है विधानसभा का, तो अभी जो है बरसाती मेंढक की तरह किस तरह से जो है जी नहीं, लगातार हमारा संगठन इस हिसाब से कह सकते हैं कि आपके बिना सरकार नहीं बनेगी बिहार में। बिहार में हमारी आबादी 3 दर्जन विधानसभा क्षेत्र में हम हार जीत में निर्णायक हैं और 3 दर्जन विधानसभा और इस बार 3 दर्जन विधायक बहुत मायने रखेंगे बिहार सरकार के गठन में। रही बात बरसाती मेंढक की, आपने जो कहा मैं आपके सवाल का जवाब देता हूँ। इससे पहले
इस पटना में हमारे संगठन के द्वारा पिछले साल धरना प्रदर्शन किया गया। बिहार के हर जिले में हमारा कार्यक्रम होता है, मीटिंग होता है। दिल्ली में राष्ट्रीय स्तर पर मेरा सेमिनार हुआ, कलकत्ता में हुआ, बम्बई में हुआ। हम लोग लगातार प्रयत्नशील है। ये नहीं है कि आज चुनाव है तो आज हम ये बात कर रहे हैं और ये अपने अधिकार मांग रहे हैं।